मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के 500 सैया के कोविड 19 अस्पताल के कंट्रोल रूम, ऑक्सीजन प्लांट एवं माइक्रोबायोलॉजी का निरीक्षण किया। कोविड 19 की बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों को देखने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश की दुनिया में सबसे बड़ी महामारी कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण पाते हुए सरकार ने जीवन के साथ लोगों की जीविका को भी सफलतापूर्वक बचाया है। कोविड के प्रथम और सेकेंड वेव के प्रबंधन में मिले अनुभव लाभ से थर्ड वेव को पूरी कुशलता और सफलता से रोका गया है। थर्ड वेव में सामने आया कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत घातक नहीं है, फिर भी इससे बचाव और इस पर काबू पाने के लिए सावधानी और सतर्कता बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोरोना के सेकेंड वेव में मरीजों को नेगेटिव होने में 15 दिन से 1 माह तक का समय लग जा रहा था। लंग्स की क्रिटिकल समस्या और पोस्ट कोविड के मामले भी आ रहे थे। इसकी तुलना में थर्ड वेव उतनी खतरनाक नहीं है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विशेषज्ञों के अनुसार अब तक जो ट्रेंड सामने आए हैं उसमें यह सामान्य वायरस फीवर जैसा है। प्रदेश में इसकी पॉजिटिविटी रेट 6% है, पर इसमें 99% मामले होम आइसोलेशन के हैं। होम आइसोलेट लोगों से इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर द्वारा संपर्क कर निरंतर समीक्षा की जा रही है। होम आइसोलेटेड लोगों को मेडिसिन किट उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में कोरोना के 2,241 एक्टिव केस हैं, जिनमें से सिर्फ 12 को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। शेष मरीज होम आइसोलेशन में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस अब कमजोर हो रहा है, लेकिन अभी भी सभी को सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी। सभी लोग शासन की तरफ से तय गाइडलाइन का पालन करते रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया के विशेषज्ञों ने माना है कि कोविड से बचाव का वैक्सीन सर्वोत्तम उपाय है। सभी लोग टीका जरूर लगवाएं। जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है वह 25 जनवरी तक हर हाल में वैक्सीन लगवा लें। जिन्होंने पहली डोज ले ली है वह दूसरी डोज ले लें। दोनों डोज लेने वालों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित कोमार्विड प्रिकॉशन या बूस्टर डोज लें। सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश में कोविड वैक्सीन की 22 करोड़ 50 लाख डोज लगाई जा चुकी है। 15 से 17 वर्ष तक के किशोरों को भी बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाई जा रही है। अब तक 47,25,000 किशोरों को वैक्सीन लगाई गई है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में कुल 35,50,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है, जिनमें से 29,50,000 का टीकाकरण हो चुका है। यहां 33%, 1,01,500 यूथ का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव को टीकाकरण की नियमित समीक्षा का भी निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया 2.5 वर्ष से कोरोना महामारी का सामना कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश ने इस महामारी पर न केवल कामयाबी पाई बल्कि इसके रोकथाम का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसकी सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन और दुनिया की अनेक संस्थाएं कर चुकी हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य होने के चलते उत्तर प्रदेश में कोरोना एक बड़ी चुनौती थी, पर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और हेल्थ वर्कर्स कोरोना वॉरियर्स के बेहतरीन टीम वर्क से कोविड मैनेजमेंट का शानदार उदाहरण पेश किया गया। सीएम योगी ने बताया कि मार्च 2020 में जब प्रदेश में कोरोना का पहला मामला आया था तब इसके जांच तक की सुविधा नहीं थी। आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में जांच और इलाज की संपूर्ण व्यवस्था है। आज प्रदेश में 4 लाख कोरोना जांच प्रतिदिन की क्षमता है। लेवल 1, 2 और 3 के 1,80,000 बेड उपलब्ध हैं। कोविड के सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली थी। उस समय भारत सरकार, वायुसेना, रेलवे की मदद के साथ ही टैंकरों से ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कराई गई थी। वर्तमान में ऑक्सीजन के मामले में प्रदेश आत्मनिर्भर है और यहां 558 ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल है। उन्होंने गोरखपुर में कोरोना जांच की चर्चा करते हुए बताया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन 10,000 आरटीपीसीआर जांच की सुविधा है। साथ ही इस मेडिकल कॉलेज में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट और पीएसए प्लांट क्रियाशील है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन युक्त 500 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, जिसमें से 300 बेड वेंटिलेटर और एचएफएनसी की सुविधा वाले हैं। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, बासगांव कमलेश पासवान सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। बीआरडी
क्रांति की हार्दिक बधाई। कोविड वेरिएंट का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन के रूप में, प्रदेश के अंदर इसके एक्टिव केसेस बढ़े हैं। पिछले लगभग पौने दो वर्षों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन में और जिनके नेतृत्व में पूरे देश ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से बचाव और उसकी रोकथाम का एक जो प्रबंधन का अनुपम उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। दुनिया ने, WHO ने और दुनिया के तमाम अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उसकी सराहना की है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रबंधन एक चुनौती था। दूसरा, पिछली सरकारों के समय में विकास की और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अनदेखी हुई थी उससे भी स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंतित थे। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारत सरकार के
और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने हेल्थ वर्कर्स को, कोरोना वॉरियर्स को, जिन लोगों ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में बेहतरीन टीम वर्क का परिचय दिया है। आज प्रदेश के अंदर हर जिले में हमारे पास कोरोना जांच के अत्याधुनिक लैब्स उपस्थित हैं। सभी 75 जनपदों में सुविधा हमारे पास है। अकेले गोरखपुर के बियाड़ी मेडिकल कॉलेज में आरटीपीसीआर के ही 10,000 टेस्ट पर दिन करने की क्षमता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अलग व्यवस्था है। इसके अलावा एंटीजन टेस्ट भी पर्याप्त मात्रा में, किट पर्याप्त मात्रा में हर जनपद को उपलब्ध कराए गए हैं। जिस प्रदेश में कोरोना आने के पहले यानी उस दौरान जब मार्च 2020 में कोरोना का पहला मामला आया था, उस समय एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी, आज वही प्रदेश 4,00,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हासिल कर चुका है। हमारे पास 1,80,000 बेड्स मौजूद हैं, जहां पर हम लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के कोरोना से जुड़े हुए मरीजों का सफलतापूर्वक उपचार कर सकते हैं। सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी और भारत सरकार के सहयोग से इस दौरान भारतीय वायुसेना, भारतीय रेल और टैंकर के माध्यम से हम लोगों ने ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रत्येक जनपद को की थी और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल को की थी। आज हमारे पास 558 ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश में मौजूद हैं, जहां से हम लोग ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई है। सेकेंड वेव में मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, प्रथम वेव की तुलना में सेकेंड वेव में संक्रमण भी तीव्र था, लेकिन इसके बाद भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, हमारे साहब ने पहले चरण से ही एक चुनौती थी। पहले चरण में कोरोना प्रबंधन के दौरान लॉकडाउन प्रारंभ होते ही प्रवासी कामगार और श्रमिक बहुत बड़ी मात्रा में अपने अपने गांव और घर के लिए आने लग गए। स्वाभाविक रूप से उनके साथ इन्फेक्शन भी आता, उसको प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया। सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन के साथ साथ तमाम यानी जिस तीव्रता के साथ संक्रमण फैल रहा था, उस तीव्रता को भी ध्यान में रख करके हम लोगों ने उस दौरान निगरानी समितियां एक्टिव की थी। 72,000 निगरानी समिति हर ग्राम पंचायत में और हर वार्ड में, हर निगरानी समिति में 10 से 12 सदस्य हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान और शहरी क्षेत्र में पार्षद इस टीम की अध्यक्षता करता है। डोर टू डोर सर्वे करना, हर संदिग्ध व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध कराना, अगले 24 घंटे के अंदर उनका रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा टेस्ट करना, और फिर अगर वह व्यक्ति लक्षण युक्त है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना। अगर लक्षण युक्त नहीं है और कोई सामान्य स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहा है, तो उनके लिए होम आइसोलेशन की व्यवस्था करना। इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर से प्रत्येक जनपद से उन जनपद से जुड़े हुए कोविड पॉजिटिव पेशेंट की मॉनिटरिंग करना, उन तक दवा पहुंची कि नहीं पहुंची, उनकी ऑक्सीजन लेवल क्या है, इन सब की निरंतर जांच हो रही थी। फर्स्ट और सेकेंड वेव के अनुभव का लाभ लेकर के हम लोगों ने थर्ड वेव को प्रदेश के अंदर रोका। इस थर्ड वेव के बारे में आशंका थी कि अगस्त सितंबर 2021 में ये वेव आएगी, लेकिन 6 महीने तक कंट्रोल रहा, लेकिन एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में आया है। मेरी पूरे प्रदेश वासियों से अपील होगी कि इस वेरिएंट से घबराने और भागने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ, बीमारी जरूर है,
इससे सतर्कता और सावधानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सतर्कता और सावधानी के साथ ही हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। और इस दृष्टि से हम लोग कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उसका पालन जरूर करें। वर्तमान में प्रदेश के अंदर जो पॉजिटिविटी रेट है आज की जो है वो 6% है। और प्रदेश के अंदर जितने भी कोविड पॉजिटिव मामले आए हैं उनमें से 99% से अधिक मामलों की उपचार होम आइसोलेशन में हो रहा है, घर पर ही लोग अपना उपचार कर रहे हैं। सामान्य लक्षण है और उनको मेडिसिन किट उपलब्ध कराई गई है। हमारी कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से डॉक्टरों की एक टीम निरंतर उनकी समीक्षा भी कर रही है, उनकी जांच पड़ताल भी कर रही है। गोरखपुर की मैं बात करूं तो गोरखपुर में अब तक 2241 मामले कुल एक्टिव केस हैं, यानी 2241 एक्टिव केस गोरखपुर में हैं। इसमें से मात्र 12 जो कोविड पॉजिटिव है वो हॉस्पिटल में है, यानी 0.5% मामले ही हॉस्पिटल में हैं। बाकी से सभी लोग अपने घरों में उपचार करा रहे हैं, उनसे लगातार संवाद बना करके उनका हालचाल लिया जा रहा है। सेकेंड वेव में एक चीज देखने को मिला था कि कोविड पॉजिटिव को नेगेटिव होने में 15 दिन से लेकर के 1 महीने का समय लग जा रहा था। जिनके लंग्स ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे थे उनके लिए और भी एक क्रिटिकल हो जाता था। पोस्ट कोविड इफेक्ट भी देखने को मिला था, कुछ कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ भी देखने को मिले थे। लेकिन थर्ड वेव में ऐसा नहीं, एक सामान्य वायरल फीवर जैसा है। लेकिन सतर्कता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से हम लोगों को इस महामारी के खिलाफ भारत सरकार के द्वारा, राज्य शासन के द्वारा जो गाइडलाइन तय की गई है उसका पालन हर व्यक्ति अगर करेगा तो हम इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, वायरस कमजोर हो रहा है अब ये ट्रेंड देखने को मिला है। आज इसीलिए मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी किया है। हर एक जनपद में जाकर के हम लोग थर्ड वेव से भी सफलतापूर्वक सामना करके जन जीवन और जीविका दोनों को बचाने की कार्रवाई को सफलतापूर्वक कर सकें। आज इसीलिए मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इन सभी चीजों का निरीक्षण किया है। यहाँ पर कुल 20 पेशेंट यहाँ पर हैं, जिनमें से 12 गोरखपुर के हैं, शेष अन्य जनपदों के हैं और या बिहार और नेपाल से जुड़े हुए हैं। उनका उपचार यहाँ पर चल रहा है। 10,000 टेस्ट करने की क्षमता के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज की जो लेवल 3 कोविड जांच की लैब है उसके माध्यम से करने की क्षमता है और शेष अन्य लैब्स भी हमारे पास मौजूद हैं, जहां पर हम लोगों के पास कोरोना की जांच और उसके आरटीपीसीआर के टेस्ट करने की व्यवस्था हमारे पास यहां मौजूद है। मुझे ये बताना है कि प्रदेश के अंदर या जो अब तक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने तय माना है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन सर्वोत्तम उपाय है। वैक्सीन अधिक से अधिक संख्या में लोग ले सके यह हमें प्रोत्साहित करना होगा। जिन लोगों ने पहला डोज लिया है वे दूसरा भी ले लें, जिन्होंने दोनों डोज ले ली हैं, कोमोर्बिड हैं यानी बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन सबको सतर्कता तो बरतनी पड़ेगी। लेकिन 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं उनके लिए एक प्रिकॉशन डोज भी तय की गई है, यानी बूस्टर डोज। तो उस बूस्टर डोज को लेने की तैयारी वे सभी करें। हर एक जनपद में ये व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। दूसरा, 15 वर्ष से 17 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है और बड़े पैमाने पर हमारे नवयुवकों में इसके प्रति जागरूकता है। प्रदेश ने अब तक 22 करोड़ यानी 22.5 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोजेस दी हैं। इतने वैक्सीन के डोज अब तक लग चुकी हैं, 22.5 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोजेस प्रदेश में अंदर लग चुकी हैं और 15 से
17 वर्ष के बच्चों में भी इसके भारी उत्साह देखने को मिला है, जिसमें 47,25,000 से अधिक नवयुवकों ने भी यह वैक्सीन की डोज प्रदेश के अंदर अब तक ले ली है। अगर मैं गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर का जो कुल लक्ष्य है, फर्स्ट डोज लेने का जो लक्ष्य है वह है 35,50,000 और अब तक गोरखपुर में 29,50,000 लोगों ने वैक्सीन की डोजेस ले ली है। हम लोगों ने यहां पर स्वास्थ्य विभाग के सामने एक लक्ष्य रखा है और मैंने स्वयं चीफ सेक्रेटरी से इस बारे में कहा कि प्रत्येक जनपद की प्रतिदिन समीक्षा करें, क्योंकि हम सतर्कता और सावधानी से ही इस महामारी से जूझ सकते हैं, इसका सामना कर सकते हैं, इसलिए कोई लापरवाही ना हो। इस दृष्टि से अब तक हम लोगों ने उनको कहा है कि इसकी निरंतर समीक्षा होनी चाहिए और हमारा प्रयास हो कि फर्स्ट डोज लेने वाले सभी लोग हर हाल में 25 जनवरी तक फर्स्ट डोज ले सके। मेरी अपील होगी गोरखपुर वासियों से भी, प्रदेशवासियों से भी, जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं ली है वह वैक्सीन का डोज जरूर ले लें, जिन लोगों ने पहली डोज ले ली है वह सेकेंड डोज भी जरूर लें, और जिन्होंने सेकेंड डोज भी ले ली है, किसी बीमारी से ग्रसित हैं, 60 साल से ऊपर हैं, वे लोग बूस्टर डोज भी जरूर ले लें। एक नियम बनाया गया है, एक व्यवस्था बनाई गई है उन सभी लोगों के लिए। गोरखपुर में एक चीज और देखने को मिली कि हमारे युवाओं में भी वैक्सीन लेने की एक अच्छी उनके अंदर जागरूकता देखने को मिली है। यहाँ पर लगभग 33% से अधिक युवाओं ने अब तक वैक्सीन ली है, जिनकी संख्या यानी 1,01,500 से अधिक है। मैं विश्वास करूंगा कि हमारे सभी युवा जो 15 वर्ष से ऊपर के हैं वे अपनी वैक्सीन की डोज जरूर ले लें। 18 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति भी अपना वैक्सीन का डोज ले लें, क्योंकि ये कोरोना वैक्सीन बचाव का एक सर्वोत्तम उपाय होगा और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी पर हम उसी से नियंत्रण कर पाएंगे। आज मुझे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में कोविड प्रबंधन को देखने का, यहाँ पर हम लोगों ने 500 बेडेड हॉस्पिटल कोविड के लिए डेडिकेटेड बनाया है, जिसमें 300 बेडेड तो ऐसे हैं जिसमें वेंटिलेटर और HFNC मौजूद है, शेष 200 में ऑक्सीजन की सुविधा है। हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन भी उपलब्ध है और PSA प्लांट भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन हर सभी 500 बेड्स में उपलब्ध हो सकती है और सभी लोगों को उपलब्ध हो किया जा सकता है। पूरी टीम है और कहीं भी किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं। हर एक व्यक्ति को कोरोना महामारी से बचाव के लिए हम लोग पूरी तरह कृतसंकल्पित हैं, चाहे वह उन्हें वैक्सीन फ्री में देने का हो, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्य योजना का लाभ देने, ये सभी उसी योजना का हिस्सा है जिससे कोई भी व्यक्ति निश्चिंत होकर के अपना उपचार करा सके और उसके सामने जीवन और जीविका दोनों का कोई संकट ना आने पाए। आज मैं इसी बात को ध्यान में रख करके मैंने यहाँ पर वार्ड का निरीक्षण किया। कोविड वार्ड के निरीक्षण के बाद मैंने NMO प्लांट भी देखा है, जिसको हम लोगों ने सेकेंड वेव के दौरान यहाँ पर स्थापित किया था, और अभी मैंने यहाँ पर जो है RT-PCR की लैब्स को भी निरीक्षण किया है, जहाँ पे 10,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता है। मुझे विश्वास है कि हम प्रदेशवासियों के सहयोग से, अपने हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स के सहयोग से, भारत सरकार के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, थर्ड वेव को भी पूरी तरह नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी और प्रदेश के अंदर जीवन और जीविका को बचाने का जो एक अद्भुत संगम देखने को मिला है उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद जी। महाराज जी, आज आपको पार्टी ने गोरखपुर सदर से प्रत्याशी बनाया है, पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में
बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, यह आप सबको देखने को प्राप्त होगा। और आप सब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर जिस प्रभावी ढंग से काम किया है वह सबके सामने है। सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को परिणाम आने पर बनाएगी।